मैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए एक गढ़वाली कविता से अपनी बात आरंभ करता हूँ। और आप समझ सकेंगे कि अगर ये शब्द ना होते, ये भाव ना होते, तो मेरे पास ये कविता नहीं होती। ये कविता तब है जब एक भाषा है, हर भाषा का एक शब्द सौंदर्य होता है, भाव सौंदर्य होता है, अर्थ सौंदर्य होता है, रूप सौंदर्य होता है, उसकी अपनी धुनें होती हैं, उसकी शब्द संपदा होती है। तो मैं जो एक गढ़वाली कविता आपके सामने रख रहा हूं, इसका शीर्षक है चुचों सरग खरेगी। अब आप सभी श्रोता है, सरग कहते हैं आसमान को गढ़वाली में, खरेगे मतलब बादलों का जब छंट जाते हैं, हट जाते हैं आसमान से, उसे खराना बोलते हैं, यानी सरग खरेगे यानी आकाश साफ हो गया। चुचों एक संबोधक संबोधन चिन्ह है, चुचों जैसे हम हे कहते हैं, अरे भाइयों, गया माने गया। अब ये गीत है खेती का, हमारे यहाँ खेती होती है, जो हमारे उपकरण होते हैं जिसे गढ़वाल में दाथुड़ी बोलते हैं और कुदाली को कूटी बोलते हैं, तो उस पर एक गीत है कि चलो खेत में चलते हैं, खेत करते हैं। तो आप इस गीत को सुनिएगा, ये मूल रूप में नवगीत के पैटर्न पर है। जरूर चुचों सरग खरेगे, चुचों सरग खरेगे, चला दाथी समाला, चला कूटी समाला, चुचों सरग खरेगे, ऐगे उदंकार स्यो अंदरू छी जिगे, ऐगे उदंकार स्यो अंदरू छी जिगे, मारी की किल कुआर सरया गौ ही बीजी गे, बिस्गुण हेरी की घाम कंचित रह गया, चुचों सर्ग खरे गया, चला दाथी समाला, चला कूटी समाला, चुचों सर्ग खरे गया। इसका अर्थ ये हुआ है, उदंकार माने सूर्य, देखो ये सूर्य आ गया है और अंधेरा छीज गया है, और किलकारी मारकर सारा गांव जाग गया है, और जो बिस्कुट जिसमें जो एक डलियां होती हैं बांस की बनी हुई, उसको बिस्कुट कहते हैं, कि बिस्कुट को देखकर जो घाम है वो कैसे फैल गया, छित रह गया, छित रह गया, यानी बिस्कुट को देखते जो आषाढ़ के बाद, जो आषाढ़ या आश्विन के मास में जो अन्न सुखाते हैं, चाहे वो त्रिपाल में अब आ गया है, उससे पहले वो बांस की वो डलियां होती थी, तो बड़ी डली गोल छोटी उसको बिस्कुट बोलते थे, उसमें जो अन्न रखा हुआ है उसे देखकर घाम फैल गया, यानी उसे सुखाने लग गया है, क्या कि बात है, चलो चुचो सर्ग कर गया। इसी तरह के इसके अर्थ हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, जरूर। आप इसमें प्रश्न की संभावना पता नहीं है या नहीं, लेकिन मैं उस गीत को एक लय के साथ पढ़ता हूं ताकि आप सुनकर समझ सकें, उसके मंतव्य को आप स्वयं भी समझ सकते हैं, भूमिका मैंने बता दी। जरूर चला दाथी समाला, चला कूटी समाला, चुचों सर्ग खरेगे, ऐगे उदम कारु सो अंदरु छी जिगे, मारी की किल क्वारु सरा गौ ही बी जिगे, बिस्गुणो हेरी की घाम कंचित रह गया, चुचों सर्ग खरे गया, चला दाथी समाला, चला कूटी समाला, चुचों सर्ग खरे गया, बादलों की वाड़ी बटे कन लुका चोरी, सूरज कनू चु देखा बेरु ही बेरी, धानी कुजम दंच जाऊं दिगाड़ तरह जा, चुचों सर्ग खरे गया, चला दाथी समाला, चला कूटी समाला, चुचों सर्ग खरे गया, माटा की को खीमा कखी बीज बीज गे, माटा की को खीमा कखी बीज बीज गे, नए प्राण को नयो संगीत पै जी गे, झप जी पी बिजवाड़ वार पार सरे गया, चुचों सर्ग खरे गया, चला दाथी समाला, चला कूटी समाला, चुचों सर्ग खरे गया, सट्टी का सेरो मचला कूल खियोला, सट्टी का सेरो मचला कूल खियोला, खेती कुमल सुओ घेण चारा छट्योला, हेरी कूटी की मुखड़ी खैर जरे गया, चुचों सर्ग खरे गया, चला दाथी समाला, चला कूटी समाला, चुचों सर्ग खरे गया, लम सट पांगू मवे की झुंगर मुलकुणु, जवान को दु नाची नाची कैच खित कुणु, बिद्दु वे के छातु छुआड़ जने रड़े जा,
चुचौ सर्ग खरे गया खल्याणियों मधुरियों अबावन झेड़िए, खल्याणियों मधुरियों अबावन झेड़िए, बनी बनी का फूल कु को थीग वीर गे, बनी बनी का फूल कु को थीग वीर गे, कै समालू कै बिटोलू मनो रखु रे गया, चुचों सर्ग खरे गया, चला दाती समाला, चला कूटी समाला, चुचों सर्ग खरे गया, चुचों सर्ग खरे गया। अब वाह। आपने जो ये गीत सुना है तो आप इसे पाएंगे, ये हमारी मातृभाषा का गीत है और मैं समझता हूं कि इसमें जो अर्थ है, भाव बोध है, शब्द संपदा है, वो इस भाषा की अपनी संपदा है, यही हमारी सांस्कृतिक सभ्यता है और भाषा सभ्यता का भी आधार है, जिसे हम आज कहते हैं कि कुमाऊनी समाज या गढ़वाली समाज उत्तराखंड के संदर्भ में। तो ये हमारी अपनी मौलिक चीजें हैं, ये शब्द दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे और इसे पढ़ने का जो आनंद है।